हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंडस्ट्रीज चैप्टर। अरे मोटूलाल, क्या डाउट है तुम्हारा, पूछो। अरे भैया, डाउट वाउट कुछ नहीं है, कल एग्जाम है। इस चैप्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता, अच्छे से समझा दो, वो भी शॉर्ट के अंदर। ऐसा मत करना जैसे और यूट्यूबर्स दो दो तीन तीन घंटे के वीडियोस बनाते हैं। अरे मोटूलाल, ये चीज तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें इंडस्ट्रीज का मतलब पता है? हाँ भैया, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है फैक्ट्रीज, जहां पर चीजें शायद से बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो जनरली यूजफुल, मतलब कि कुछ अच्छा अच्छा सामान बनाती हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। देखो, प्राइमरी मतलब कि सारी इंडस्ट्रीज जो भी अपना सामान लेती हैं वो किनसे लेती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से लेती हैं। अच्छा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर होता क्या है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आती हैं हमारी। जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी ज़रूरत का सामान इन्हें चाहिए होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों को, ये क्या करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से ले लेते हैं और फिर उस सामान से कुछ यूजफुल और ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाकर उसे महंगे दाम पर सेल करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हैं हमारे चंपक लाल अंकल जी। अब ये जो चंपक लाल अंकल जी हैं, इन्होंने बहुत सारे शुगर केन्स ग्रो करे और शुगर केन्स की इन्होंने फार्मिंग करी। बहुत सारे जब शुगर केन्स इनके ग्रो हो गए, उग गए, तो अच्छे से इन्होंने उन शुगर केन्स को काट वाट के सेल कर दिया। इन्होंने इन शुगर केन्स को सेल करा इस बिजनेसमैन को, ये टकलू अंकल को सेल करा। अब ये जो टकलू अंकल है ना, इनका नाम बता दो, बड़े मजेदार है टकलू अंकल। इन टकलू अंकल जी को सेल कर दिया। अब इन टकलू अंकल जी ने इतने सारे शुगर केन खरीद लिए, क्या ये सारे शुगर केन खुद खाएंगे? नहीं। इन्होंने क्या करा, इन शुगर केन्स का इस्तेमाल करके इन शुगर केन्स से शुगर बना ली। क्या बना ली, शुगर केन से शुगर, और फिर इस शुगर को महंगे दाम पर बेचा। समझ गए आप लोग? तो क्या हुआ, ये जो टकलू अंकल थे, इन्हें अपने जरूरत का सामान यानी कि ये जो शुगर केन था, ये कहां से मिला, इनसे, चंपकलाल अंकल जी से। और चंपकलाल अंकल जी ने शुगर केन्स कहां से लिए थे, नेचर से। नेचुरली ग्रो हुए थे शुगर केन्स, तो धरती माँ ने दिए थे, अपने आप फार्मिंग करी थी उन्होंने। तो इसी तरीके से लोग जब जरूरत का सामान लेते हैं अपनी, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले, तो वो किससे लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री वालों से। इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहीं से जितनी भी बाकी की इंडस्ट्रीज हैं वो अपने ज़रूरत का सामान लेती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंडस्ट्री की। जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हमें ये तो पता ही है कि वो कुछ ना कुछ यूजफुल चीज़ बना रही। अब जो भी उन्होंने यूजफुल चीज़ को बनाया उसको वो बेचेंगे भी, और बेचने के बाद बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। जैसे ये पेन है, किसी इंडस्ट्री ने इसे बहुत ही अच्छे से बनाया, वाकई में पेन एक यूजफुल चीज़ है, हम इसकी मदद से लिख सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने इसे सेल करके पैसे भी कमाए। तो इंडस्ट्री से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमें होती हुई दिखती है। व्हाट इज इकोनॉमिक, मतलब पैसा भी हमें बनते हुए दिखता है, लोग पैसा भी कमाते हैं इंडस्ट्रीज की मदद से, ठीक है। एग्जाम्पल है इंडस्ट्रीज के, जैसे आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है। अब ये जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है ना, वाकई में काफ़ी यूजफुल है। हमारे मोबाइल के जो बहुत सारे पार्ट हैं वो इन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की मदद से ही हमें मिल पाते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे, वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ, SST के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं।
अच्छा, इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा था प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी, तो ये तो एक तरीके से हमने बेसिकली समझ लिया था कि प्राइमरी वाली कौन सी होती है, सेकेंडरी वाली कौन सी होती है। लेकिन इंडस्ट्रीज को फर्दर भी क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब वो किस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा साइज है, मतलब इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है या फिर बहुत छोटी सी है, ओनरशिप मतलब उस इंडस्ट्री का मालिक कौन कौन है, सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स की। अरे हाँ भैया, इसी टॉपिक में मुझे कंफ्यूजन हुई थी स्कूल में, पता नहीं मैम क्या बता रही थी, मुझे समझ नहीं आया ये अच्छे से। चलो अच्छे से एक बार इसे समझ लेते हैं तो फिर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहे। अब सोचो मुझे क्या करना है, मुझे चिप्स बनाने हैं। चिप्स बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आलूओं की जरूरत पड़ेगी, पोटैटोस की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे मुझे फार्मर्स के पास से। फार्मर्स के पास आलू कहाँ से आए? उन्होंने आलूओं को उगाया होगा, है ना, तो क्या करा होगा उन्हें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी होगी, तो उन्हीं की मदद से तो मुझे आलू मिल रहे हैं। तो जो मेरी इंडस्ट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्री होगी। क्यों? क्योंकि मुझे चिप्स बनाने के लिए आलूओं की जरूरत है, और आलू क्या है, आलू ग्रो करे जाते हैं बाय फार्मर्स, और फार्मर्स आलूओं को कैसे उगाते हैं, बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसी तरीके से हमारी कॉटन टेक्सटाइल में भी जो भी कॉटन के रिलेटेड कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं वो भी एक एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्री है। क्या आप सबको पता है कि कॉटन का भी प्लांट होता है? अरे भैया क्या बात कर रहे हो, कॉटन का भी प्लांट होता है? मुझे तो लगता था कॉटन शीप की पीठ पे उगता है। मोटू लाल, वो कॉटन नहीं होता, वो कुछ और होता है। फटाफट आप सब बच्चे कमेंट करके बता दो मोटू लाल को कि वो कॉटन नहीं होता, क्या चीज होती है। ठीक है, कॉटन का तो एक्चुअली में प्लांट ही होता है। तो किसी को भी अगर कॉटन के रिलेटेड कुछ भी बनाना है, जैसे कॉटन के कपड़े बनाने हैं, कॉटन की शर्ट बनानी है, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए उसे कॉटन की जरूरत पड़ेगी। कॉटन लेने के लिए उसे किसके पास जाना होगा, फार्मर के पास। फार्मर के पास कॉटन कहाँ से आई, फार्मर के पास कॉटन आई क्योंकि उसने पेड़ उगाए थे कॉटन, तब आई है उसके पास। तो ये भी क्या हो गई, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई। डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री, ये सब भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज ही होती है। अब बात करते हैं मिनरल इंडस्ट्री की। कोई भी इंडस्ट्री जो कि मिनरल ओर्स का इस्तेमाल करती है एज रॉ मटेरियल, उन सारी इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल, अगर हमें आयरन मिलता है फ्रॉम आयरन ओर, तो हम लोग फिर इस आयरन से बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बना पाते हैं। देखो लोहे की बहुत सारी यूजफुल चीज़ें क्या क्या है, ये रहा मेरे पास, क्या है ये फटाफट बताओ, ये है हमारा कंपास, ये भी किसका बना है, आयरन का बना है। तो ये आयरन हमें मिला है फ्रॉम मिनरल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। नाम के अंदर ही सारा सॉल्यूशन है, मरीन मतलब पानी के रिलेटेड। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी जैसे फिश वगैरह हो गई या फिर पानी के रिलेटेड कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल अगर सी से आ रहा है, मतलब समुद्र से आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको फिश ऑयल बनाना है या फिर फिश चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आपकी है अगर आप फिश को सेल करते हो या फिर आप फिश ऑयल बनाते हो। फिर आती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वो वाली इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं अपने सामान के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर जो भी फर्नीचर होता है, ये फर्नीचर किसका बना होता है, लकड़ी का। लकड़ी कहाँ से आती है, पेड़ से। पेड़ कहाँ पर होते हैं, ज़्यादातर जो ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, तो उन फॉरेस्ट के ट्रीज को कट करके हमारे घर पर फर्नीचर लाया जाता है। तो ये क्या हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, जो भी हमारा फर्नीचर वगैरह हो गया ये वाली इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल की हो गई, फार्मास्यूटिकल किसे बोलते हैं, दवाइयों वाली कंपनी। सर दवाई वाली कंपनी क्यों जाएगी फॉरेस्ट में, अरे फॉरेस्ट से ही तो मिलता है उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान। पल्प, पेपर, पेपर भी हम लोग क्यों बना पाते हैं, पेपर भी हमें ज़्यादातर फॉरेस्ट से ही मिलता है। ठीक है, और बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ये सब भी हमें फॉरेस्ट की मदद से ही मिलता है। अब इंडिया में ज़्यादातर घर हमें क्या, लकड़ी के देखने को नहीं मिलते, बट अगर आप बाहर देखोगे, मूवीज़ वगैरह में भी देखोगे, तो ज़्यादातर जो घर मूवीज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं फॉरेन में, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर घर लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो वो क्या हो गए, उनकी वहाँ की जो बिल्डिंग्स हो गई वो भी क्या हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को साइज़ के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करा जाता है। तो भूपेंद्र, थारा भाई भूपेंद्र,
अरे भैया मुझे पता है साइज के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्रीज को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे मोटू लाल मोटा है, ऐसे ही जो इंडस्ट्री मोटी होती होगी उसे मोटा बोल देते होंगे, जो पतली होती होगी उसे पतला, जो छोटी होती होगी उसे छोटा, और जो लंबी होती होगी उसे लंबा। बेटा भूपेंद्र, मैं मिलना चाहूँगा तुम्हारे टीचर से जिसने तुम्हें पास किया है। वेरी गुड बेटा, क्या आंसर दिया है तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो जो साइज होता है उसका मतलब क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज स्मॉल होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसे स्मॉल होती हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज कम पैसे का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि यूजेज लेस कैपिटल, कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ये अंकल जी। ये अंकल जी अपने घर में बैठ के ही कुछ कपड़े की चीज़ें बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्मॉल इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं। इनकी क्या है, इंडस्ट्री काफ़ी स्मॉल, क्योंकि इनको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है जब ये घर पे बैठ के अपने हाथ से ही कपड़े बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, एक स्मॉल इंडस्ट्री होगी। अच्छा क्या ये बहुत सारे कपड़े बना सकते हैं अपने हाथों से, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत समय लग जाएगा बहुत सारे कपड़े बनाने में। यहीं पर अगर हम लोग बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को वर्क करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये जो मशीन्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, इनसे बहुत सारे कपड़े बहुत ही कम टाइम के अंदर बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, सिल्क फैब्रिक एंड फूड इंडस्ट्री। खाने पीने की जो भी चीज़ें हमारे लिए बनाई जाती हैं, जैसे ऑयल, घी और चिप्स वगैरह, तो ये सब क्या हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। और यहीं पर अगर हमारे घर पर हम देखते हैं कि कोई बास्केट आ गई जिसको हाथ से वीव करा गया है, कोई पॉटरी का सामान आ गया, जैसे कोई पॉट वगैरह आ गया, वास वगैरह आ गया डिज़ाइनफुल, तो वो सारी इंडस्ट्री कैसी होती हैं, स्मॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर काम हाथ से किया जाता है, पैसा भी कम यूज़ होता है और टेक्नोलॉजी भी कम यूज होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के पैसा भी ज़्यादा यूज़ होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, और टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज़ होती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर क्या था, तीसरा फैक्टर था ओनरशिप। अब ओनरशिप का मतलब क्या है, देखो ओनरशिप का मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज के मालिक किस किस तरीके के होते हैं। अच्छा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री किसे बोलते हैं हम लोग, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर जनरली एक इंडिविजुअल या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही एक कंपनी के मालिक होते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जब हम लोग बात करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है, सिर्फ एक ही नाम आता है हमारे दिमाग में, मुकेश अंबानी जी, ये है रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। फिर आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब यहां पर पब्लिक का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता होगा, तो ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है। मतलब वो वाली सारी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर गवर्नमेंट ही क्या करती है, लोगों को जॉब देती है और फिर गवर्नमेंट ही क्या करती है, उनको रन करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर आती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। बहुत ही आसान है, जॉइंट नाम आ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट भी एक साथ आ जाती है और यहाँ पर कौन आ जाते हैं, यहाँ पर जो हमारे कुछ बिजनेसमैन होते हैं ये भी एक साथ आ जाते हैं। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट भी आ गई और एक कोई इंडिविजुअल भी आ गया, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी आ गए जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, इट इज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। फिर आती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर इन्हें चलाने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की, तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे वो लोग जो कि दूध प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिनके पास बहुत सारी गाय है, तो वो बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए जिनके पास बहुत सारी गाय थी, कि अब हम लोग मिलकर एक बढ़िया सी अपनी कंपनी बनाते हैं, अपनी बढ़िया सी इंडस्ट्री बनाते हैं और हम सब मिलकर एक साथ बहुत सारा अपना ढेर सारा दूध बेचेंगे अच्छे दाम पर। तो इस तरीके से ये वर्क करती है, इनको बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, जो कि ओन और ऑपरेट करी जाती हैं जनरली प्रोड्यूसर्स के थ्रू और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, और सुधा डेयरी।
अब बात करते हैं कि आखिरकार इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं कहीं पर तो हमें बहुत सारी देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर बहुत कम। हाँ भैया, एक बात तो है, मेरे घर के आसपास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जब मैं अपने मामा जी के घर पे जाता हूँ तो उनके घर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोकेशन पे ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ लोकेशन पे कम इंडस्ट्रीज होती हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज की लोकेशन चेंज हो जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ कुछ जगहों पे गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि आप हमारे यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्री बनाओ, इसके बदले हम क्या करेंगे, आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मतलब डिस्काउंट देंगे, आपको बिजली सस्ते दाम पर देंगे, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी काफ़ी हम कम कर देंगे, मतलब चीज़ों को एक जगह से अगर दूसरी जगह आपको ले जाना है उसको भी काफ़ी सस्ते दाम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको देंगे, हमारे एरिया में आप इंडस्ट्री बनाना। तो कुछ इस तरीके के इंसेंटिव गवर्नमेंट भी ऑफर करती है। तो आप कहाँ पर इंडस्ट्री बनाना प्रेफर करोगे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बिजली काफ़ी महंगी है, या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बिजली काफ़ी सस्ती है? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर बिजली सस्ती है वहाँ पर आप तो अपनी इंडस्ट्री बनाओगे। तो इसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, आप इंडस्ट्री कहाँ पर बनाना पसंद करोगे, जहाँ पर जो रेंट है यानी कि जो लैंड है और रेंट है काफ़ी सस्ता है, या फिर जहाँ का रेंट बहुत महंगा? आसान सा सवाल है, जहाँ पर सर रेंट सस्ता होगा वहाँ पर हम तो अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे। अच्छा, कहाँ पर इंडस्ट्री बनाओगे, जहाँ पर पानी आसानी से मिलता है या फिर जहाँ पर पानी मुश्किल से मिलता है? आसान सा सवाल है इसका तो, कि पानी तो मिलना चाहिए आसानी से। जहाँ पर लेबर आसानी से मिलती है वहीं पे तो अपनी फैक्ट्री बनाना चाहोगे, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर लेबर मिलती ही नहीं है तो फिर काम कौन करेगा तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर, परेशान हो जाओगे। तो इस वजह से जो इंडस्ट्री है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम को। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसके अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आता है। व्हाट इज इनपुट? इनपुट के अंदर आते हैं सारे रॉ मटेरियल, जैसे कि लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। जैसे कि हमने क्या करा, बहुत सारे गन्ने ले लिए, इन गन्नों को हम अपनी फैक्ट्री के अंदर ले। अब इन गन्नों को जब हम परचेज करा है हमने, तो हमने क्या करा है, इनपुट करा, मतलब किसी चीज़ को लेकर। फिर हमने इन्हें प्रोसेस करा, प्रोसेस के अंदर क्या करा, हमने इन गन्नों को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू शुगर, जो क्या था, एक यूजफुल मटेरियल था। क्या था? एक यूजफुल मटेरियल था। अब फाइनली इस शुगर को हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट, मतलब इस शुगर को बेचना पड़ेगा। कहां पर बेचेंगे हम? बाजार में ले जाके, मार्केट में ले जाकर बेचेंगे और अच्छे खासे दाम पर इसे बेच कर खूब सारे पैसे कमा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से होते हैं? अभी आपको थोड़ी देर पहले मोटू लाल ने बताया था कि इसके मामा के घर के पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मोटू लाल के घर के पास में कम इंडस्ट्रीज। तो कुछ जगहें इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, एक साथ इंडस्ट्रीज क्यों बनाई होती हैं? क्योंकि सब इंडस्ट्री वालों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा होता है और लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है। क्या फ़ायदा हो रहा होता है? मान लो मुझे जॉब चाहिए, अब मुझे जॉब चाहिए और मुझे किसी इंडस्ट्री में जाके जॉब करनी है, तो अब मैं किस जगह पे जाना पसंद करूंगा, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री होंगी या फिर जहां पर एक या दो इंडस्ट्री होंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक इंडस्ट्री में गया, वहां पर उन्होंने मना कर दिया मुझे जॉब के लिए, दूसरी वाली इंडस्ट्री में चले जाऊंगा, फिर तीसरी वाली में चले जाऊंगा, फिर चौथी वाली में चले जाऊंगा, है ना, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो एक ये फायदा मिल गया। दूसरा, इंडस्ट्री वालों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, उनको भी बहुत सारे लोग आसानी से मिल जाया करेंगे, क्योंकि लोग तो वहीं पर आएंगे जहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होंगी जॉब के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं आसपास होने के कारण से एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अच्छा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। आप उसका अगर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अच्छा, इंडस्ट्रियल रीजन पूरी दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पर है? एक तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के अंदर है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर है और ईस्टर्न एशिया के अंदर है। इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के अंदर कौन कहाँ पर है? एक तो मुंबई पुणे का जो क्लस्टर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है वहाँ पर, हुगली रीजन के अंदर, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन के अंदर, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हमें देखने को मिलती है, विशाखापट्टनम गुंटूर
बेल्ट देखने को मिलती है। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन के अंदर भी हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये तो कोल्लम तिरुवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, भाई ये तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, साउथ इंडियन नेम है ना इस वजह से। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की हमें इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ जहाँ देखने को मिलती है, ये वो जगह है। इंडिया की बात करी हमने और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ इन इन जगहों पे हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की। मेजर का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? स्टील की, टेक्सटाइल की और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी। अब ये जो स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये तो काफी पुरानी, बट स्टील आपको बताऊंगा मैं अभी कि स्टील कहाँ कहाँ इस्तेमाल आता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता ही होगा जिनसे हमारे कपड़े वगैरह के सामान बनाए जाते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है ये काफी न्यू। अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? भाई ये फोन के अंदर जो ऐप वैप हम लोग चला रहे हैं ना, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। ये जो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो ना मेरा वीडियो, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ना। तो ये सारी इंडस्ट्रीज काफी न्यू है लेकिन ये भी काफी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है आजकल। अब बात करते हैं आयरन और स्टील की। भाई आयरन और स्टील के अंदर ऐसी क्या बात है? ये जो आयरन और स्टील है ना, इट इज एक्चुअली अ फीडर इंडस्ट्री। ये क्या करती है? आयरन और जो स्टील है इसकी मदद से हम लोग और इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ यूजफुल सामान बना पाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन ओर लेकर आते हैं बढ़िया से। अब इस आयरन ओर के अंदर हमें आयरन मिलेगा, इसी तरीके से अगर कोल होगा तो कोल मिल जाएगा हमें, लाइमस्टोन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, बढ़िया सा अपना आयरन ओर लिया। अब आयरन ओर को हमने डाला एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। व्हाट इज फर्नेस? फर्नेस के अंदर इस आयरन को अच्छे से क्लीन वगैरह करके एक थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में लाया जाता है। जैसे तुम होते हो ना स्कूल, सुबह जाने से पहले पूरी हालत खराब हो रखी होती है, बाल बाल खराब होते हैं, फिर तुम बढ़िया से रेडी होते हो, नहाते हो, धोते हो, रेडी हो जाते हो। इसी तरीके से आयरन को रेडी करा जाता है बढ़िया से। अब आयरन हमें रेडी हो गए यानी कि रिफाइंड फॉर्म में मिल गया। अब इस आयरन को हम लोग बाकी इंडस्ट्रीज वालों को दे सकते हैं, उनके किस काम आएगा आयरन अभी देख। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि इनपुट कैसे वर्क कर। देखो आयरन ओर को हमने लिया या कोल को, लाइमस्टोन को लिया, इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर की। इस आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जिस जगह पे हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को सेटअप करा है उस जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जो भी जहाँ पर भी हमने ये इंडस्ट्री बनाई है आयरन ओर की, वहाँ पर हमें आयरन का, ये आयरन ओर से हम लोग जो ये रिफाइंड आयरन बनाने, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग भी ढंग की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। अब क्या होगा, ये जो हमें रिफाइंड आयरन मिल गया इसका कहाँ इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर होगा। ये आयरन और स्टील जो है लगभग सेम ही चीज़ होते हैं। मतलब क्या है, आयरन के अंदर हम कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर हमने कार्बन मिक्स कर दी आयरन के अंदर तो क्या बन जाता है? जनरली स्टील बन जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टील है ना, जब आयरन के अंदर हम लोग थोड़ी सी कार्बन मिला देते हैं ना तो स्टील काफ़ी बढ़िया स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, आयरन के अंदर हमने थोड़ी सी क्या मिला दी हमने आयरन के अंदर कार्बन मिला दी, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का हमारा क्या बन जाएगा, आयरन। और उस चीज़ को हमने बोल दिया स्टील, कि भाई अब ये बहुत अच्छा स्टील बन गया। अब जो स्टील है ना ये बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। आप देखोगे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, टूल्स होते हैं जो, जैसे कि आपने अपने घर पर देखा होगा स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें इनकी बनी होती हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज, ये सारी चीज़ें आयरन और स्टील से बनी होती। तो आप सोच सकते हो कि आयरन और स्टील कितने ज़रूरी हैं। आयरन और स्टील की मदद से ही हमारे घर वगैरह भी बने होते हैं। पता है तुम्हें, आयरन और स्टील के जो आपने देखा होगा यूज़ होती है बड़ी बड़ी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पिलर्स को, तार वगैरह। ठीक है, तो आयरन और स्टील काफ़ी यूज़फुल है। आयरन और स्टील की मदद से ही वायर वगैरह भी बनाए जाते हैं। अच्छा, आयरन और स्टील के अंदर इतनी खास बात क्या है? ये जो स्टील है ना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ईजीली हम लोग इसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। अब बार बार आप लोग कन्फ्यूज हो रहोगे कि आयरन और स्टील, सर ये सेम ही बात तो है। बिल्कुल सही, आयरन के अंदर जब हमने थोड़ा सा क्या मिला दिया था, कार्बन, तो वो क्या बन गया था, स्टील बन गया। ठीक है, बट मेनली इसके अंदर आयरन ही होता है।
तो ये जो स्टील है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, इसको हम किसी भी शेप के अंदर ला सकते हैं, कट कर सकते हैं, वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग स्टील से भी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, और भी अच्छे मेटल्स अगर हम स्टील के साथ मिला दें, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल या फिर कॉपर मिला दें, तो हम लोग स्टील को भी और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, स्टील को लिया और इसके साथ हमने कोई दूसरा मेटल मिला दिया, और इन दोनों को मिलाने के बाद फिर कोई अच्छी सी यूजफुल सी चीज़ हमने बना। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर एलॉय बना दिया। एलॉय गिव स्टील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डनेस। हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने स्टील के साथ एक और मेटल को मिलाकर कुछ नई चीज़ बनाई, जिसकी वजह से स्टील अब बहुत अच्छा और बन चुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टील के साथ हमने कोई और मेटल को मिलाकर क्या बना लिया, हमने एक एलॉय बना लिया। इसको क्या बोला हमने, एलॉय। तो जो एलॉय होते हैं स्टील के, ये उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डनेस, टफनेस और रस्ट रेजिस्टेंस भी देते हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ पर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज की लोकेशन थी और है। 1800 AD से पहले जो स्टील इंडस्ट्री थी वो पता है कहाँ पर होती थी, ज़्यादातर उन जगहों पर होती थी जहाँ पर रॉ मटेरियल, पावर और वाटर आसानी से मिल जाया करता। मतलब स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर बनाई जाती थी, जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल, पावर और वाटर मिल रहा, ठीक है। लेकिन 1852-1900 AD क्या हुआ, जो आइडियल लोकेशन थी स्टील इंडस्ट्रीज़ की, दैट वॉज क्लोज टू कोल फील्ड्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों था, कोयलों की जो खदान थी उसके नज़दीक क्यों थी स्टील इंडस्ट्रीज़, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अभी हमने ऊपर देखा था कि ये जो फर्नेस है, क्या करा जा रहा था हमारा, सबसे पहले आयरन को लाया जा रहा था, आयरन ओर को, फिर उसे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जा रहा था, फाइनली इसको रिफाइंड मटेरियल के अंदर हमें मिल रहा था। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ना, यहाँ पर देखो रेड रेड कलर की है ये पूरी, मतलब क्या हीट का इस्तेमाल कर रही है। तो ये हीट कहाँ से मिलती है, ज़्यादातर हमें कोल्स वगैरह से मिल जाती है, ठीक है। साथ ही में जब भी स्टील इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाता था इन 1852-1900 AD, तो ये ज़्यादातर कैनाल्स और रेल रोड्स के नज़दीक होते थे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने स्टील इंडस्ट्री से स्टील तो बना लिया, लेकिन स्टील को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहाँ से, कैनाल्स की मदद से, मतलब ये वो वाली जगह हो गई जहाँ पर शिप्स वगैरह रहती है, तो उस जगह से हम लोग भेज देंगे। रेल रोड यानी कि जहां पर रेल होंगी, मतलब ट्रेन जाती होगी, उससे ट्रेन के थ्रू हम स्टील को दूसरी जगहों पर भेज सकते हैं। लेकिन 1850 के बाद जो स्टील मिल्स थी वो इतनी बड़ी होने लगी, स्टील इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी होने लगी कि आयरन और दूसरे देशों से लाना, लेकिन अब हमारे पास खुद के पास मान लो खत्म हो गया पूरा जो आयरन ओर थी, तो हम तो दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम कहीं पर भी अपनी स्टील इंडस्ट्री खोल लें, हम क्यों खोलें फिर जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल है उसके नज़दीक, क्योंकि अब रॉ मटेरियल तो बहुत ही कम है और हमारा रॉ मटेरियल तो एक तरीके से ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से स्टील इंडस्ट्रीज़ को कहाँ पर बनाए जाने लगा, लार्ज प्लेन्स पर, और ये जो लार्ज प्लेन्स थे ना, ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे पर लोकेटेड थे। अब ऐसा क्यों, समुद्र के किनारे पर क्यों लोकेटेड थे, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, जो भी स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन ओर लाया जाता था वो दूसरे देशों से लाया जाता था शिप्स की हेल्प से। तो अगर आप समुद्र के किनारे पे हो तो वहीं पर शिप से आपका आयरन आ जाएगा, अपना फटाफट आयरन ओर को डालो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर और फटाफट उसकी मदद से क्या बना लो, आयरन और स्टील बना लो। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी। अच्छा, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पर है, जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया। लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, भिलई एक जगह है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पर दुर्गापुर, भूरनपुर जो कि वेस्ट बंगाल की एक जगह है, रोरकिला ओडिशा की ये जगह है, बोकारो ये भी एक जगह है, और जमशेदपुर जो कि झारखंड के अंदर है ये भी एक जगह है। इन सारी जगहों पर हमारी स्टील इंडिया के अंदर स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे भद्रावती विजयनगर कर्नाटका के अंदर, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर, सलीम तमिलनाडु के अंदर। तो ये और भी इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ पर है, ये मैंने आपको बताया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर टाइमलाइन क्या था आयरन और स्टील इंडस्ट्री,
देखो इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले टाटा आयरन और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को सिर्फ एकमात्र प्राइवेटली ओन्ड स्टील कंपनी थी हमारी कंट्री के अंदर। तो आप सोच सकते हो इतनी बड़ी कंट्री है और सिर्फ एक ही कंपनी है यहाँ पर जो कि प्राइवेटली ओन्ड स्टील कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी स्टील फैक्ट्रीज को सेटअप करवाया। लेकिन ये जो टिस्को थी ये कहाँ पर लोकेटेड थी, इट वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची। और ये जो साक्ची वाली जगह थी ये थी कहाँ पर, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इस नदी के नज़दीक थी ये जो हमारी इंडस्ट्री थी। लेटर ऑन जो साक्ची नाम की जगह है इसको बोल दिया गया जमशेदपुर। अब ये साक्ची साक्ची क्या है, ये जगह का नाम है, अब इस जगह को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। Why साक्ची was chosen? अब ये जो साक्ची या फिर जमशेदपुर वाली जगह है यहीं पर क्यों टाटा वालों ने अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाई थी। टाटा वालों का नाम तो आप आज भी सुनते हो, है ना, टाटा नमक खाते हैं और भी बहुत सारी टाटा की चीजें आती हैं। तो ये जो साक्ची वाली जगह है ना, इसको इस वजह से चूज करा गया था क्योंकि जो इसकी लोकेशन थी इट वॉज ओनली 32 किलोमीटर फ्रॉम कालीमाती रेलवे स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। अब यहाँ पर इसको चूज क्यों किया गया था, एक और रीज़न भी था इस लोकेशन पे इस स्टील इंडस्ट्री को बनाने का, क्योंकि यहीं पर आसानी से आयरन और भी मिल जाती थी, कोल भी, मैग्नीज भी, ये सारी चीज़ें मिल जाती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोलकाता के अंदर प्रेजेंट थी। और फिर ये आयरन वगैरह मिलने के बाद, रेडी करने के बाद, इसको आसानी से सेल भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि कोलकाता के अंदर उस समय काफ़ी बड़ा मार्केट हुआ करता था। इसको जो थे अपने सोर्सेस को फ्रॉम झरई कोलफील्ड एंड आयरन और लाइम स्टोन डोलोमाइट एंड मैगनीज जो था वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लाया करते थे। और फिर फाइनली अपनी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इन्हें काफ़ी अच्छे से रिफाइन करते थे। एक और रीज़न भी था जमशेदपुर यानी कि साक्ची के अंदर इस इंडस्ट्री को बनाने का, वो रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आसानी से वाटर अवेलेबल था थ्रू खरकई एंड सुबर्णरेखा रिवर। अब बात करते हैं हम लोग पिट्सबर्ग की। ये जो पिट्सबर्ग है ये जगह अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। यहीं पर बहुत सारा स्टील बनाया जाता है, लेकिन पिट्सबर्ग के अंदर ही, अमेरिका के अंदर, सिर्फ पिट्सबर्ग के अंदर ही ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई, क्या रीजन था। रॉ मटेरियल जैसे कि कोल वगैरह ये काफी आसानी से यहाँ पर मिल जाया करते थे, लेकिन जो आयरन ओर थी वो पता है कहाँ से आया करती थी, From the iron mines in Minnesota, जो कि approximately 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। तो इतनी दूर से आयरन ओर्स को लाने की क्या जरूरत है, वहीं पर मिनेसोडा के पास में भी तो बना सकते थे ये लोग स्टील इंडस्ट्री, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करा इन्होंने। इन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दो पिट्सबर्ग के पास में कितनी बड़ी रिवर जा रही है, इस रिवर के थ्रू बड़ी आसानी से जो भी आयरन माइन से आयरन ओर आनी होती थी वो आ जाती। फिर आयरन ओर के इस्तेमाल से क्या बनाया जाता था, आयरन। तो यहां पर इन माइंस के बीच में काफी ज्यादा हमें ग्रेट लेक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी आसानी से जो हमारी आयरन ओर थी वो आ जाया करती थी। इस वजह से पिट्सबर्ग के अंदर बहुत अच्छे से यहां पर आयरन का इस्तेमाल करके स्टील वगैरह बनाया जाता था। अच्छा, रेल रोड ट्रांसपोर्ट ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग एरिया, ये भी काफ़ी एक एडवांटेज था। यहाँ पर रेल वगैरह भी अवेलेबल थी आसानी से पिट्सबर्ग तक की, कहाँ से, मिनेसोडा से और भी जगह जहाँ पर अवेलेबल है आसानी से हम लोगों को आयरन माइंस अमेरिका के अंदर, वहाँ से आसानी से यहाँ पर लाई जाती। ओहायो, मंगोलिया एंड एल्गिनी रिवर जो थी ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी देती थी। तो ओहायो और जो हमारा मंगोलिया और एल्गिनी रिवर है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी भी, जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होती थी पिट्सबर्ग की स्टील इंडस्ट्री को, वो पूरी हो जाया करती थी। टुडे लार्ज स्टील मिल्स लाई इन द वैली ऑफ मंगोलिया एंड एल्गिनी रिवर अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहायो रिवर डाउनस्ट्रीम। आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज की डेट में भी बहुत सारी हमें क्या देखने को मिलती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टील मिल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं आज भी इसी लोकेशन के नज़दीक। अब जो फिनिश्ड स्टील है इसको मार्केट के अंदर ले जाया जाता है थ्रू लैंड एंड सी। मान लो हमने स्टील तैयार कर लिया आयरन ओर से, उसको कहाँ से, इसी पानी से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरी जगह पे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक शिप जा भी रही है, ठीक है, शायद ये इसी स्टील को लेकर जा रही हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्टील बनाया जा रहा है, तो वो फैक्ट्रीज जो कि स्टील का इस्तेमाल करके, वो इंडस्ट्रीज जो कि स्टील का इस्तेमाल करके दूसरा सामान बनाया करती थी, जैसे कुछ लोग सीढ़ी बनाने वाले थे, तो उन्होंने बोला अरे यहीं पर स्टील बन रहा है, यहीं पर हम भी अपनी इंडस्ट्री खोल देते हैं, हम यहीं पर सीढ़ियाँ बनाने लगते हैं और इन सीढ़ियों को भी बेच देंगे यहीं से। तो इस तरीके से जो भी आसपास की जो भी इंडस्ट्रीज थी जो कि स्टील का इस्तेमाल करती थी, वो लोग भी यहाँ पर क्या करने लगे, वो भी यहाँ पर अपना सेटअप करने लगे। उस समय रेल रोड के इक्विपमेंट बनाए जाते थे, मतलब कि जो हमारी ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन जब चल रही होती है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीचे पटरियों की ज़रूरत होती है, दैट पटरियाँ जो ट्रेन की होती हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टील और आयरन, तो वो भी यहीं पर बनाया जाता था आसानी से। और भी बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट और रेल्स यहाँ पर बनाई जाती थी, रेल्स मतलब ट्रेन खुद यहाँ पर बनाई जाती। अब बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, मतलब कॉटन तो आपको पता ही, और कॉटन से जो भी कपड़े वगैरह बनाए जाते थे इसकी इंडस्ट्री की बात हो। देखो जब भी हम लोग टेक्सटाइल की बात करते हैं यानी कि कपड़ों की बात करते हैं, तो उनको क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब किस तरीके के वो कपड़े किस मटेरियल से बनाए गए। कुछ होते हैं नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाए गए और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल को इंसानों ने बनाया होता है केमिकल्स का इस्तेमाल कर। नेचुरल के अंदर क्या क्या आता है, वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन, जूट, और आर्टिफिशियल के अंदर नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्कलिक, रेयॉन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो जब हम लोग पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आर्टिफिशियल जो फाइबर्स थे ये इतने ज़्यादा नहीं बने थे, उस समय नेचुरल फाइबर्स का ही इस्तेमाल होता था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले कॉटन के जो फैब्रिक थे इनको हाथ से बनाया जाता था। क्या यूज़ करते थे, कौन सी मशीन्स का यूज़ करते थे, लूम्स का इस्तेमाल करते थे। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना गोल जैसी, इसको लूम्स बोलते हैं। तो हाथ से बनाया जाता था, हैंड लूम्स की हेल्प से कॉटन को बनाया जाता था। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब मशीन्स वगैरह आने लगी, तो फिर इन्हें मशीन से बनाया जाने लगा। 18th सेंचुरी के अंदर जो फर्स्ट, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लूम्स थी, ये फर्स्टली यूके के अंदर आई। कहाँ पर, यूके के अंदर। अब यहाँ पर आपको बताया कि ज़्यादातर उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये आई थी, और यूके के अंदर से फिर ये और जगह पे भी गई, दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी ये इलेक्ट्रिक लूम्स गई। अब एक्चुअली में इन इलेक्ट्रिक लूम्स से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये हम जानें। अच्छा, इम्पोर्ट्स जो थे उन्हें मैन्युफैक्चर करा जाता था ऑफ कॉटन फैब्रिक्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, जापान एंड अमेरिका। ठीक है, कॉटन वगैरह कहाँ ज़्यादा ग्रो करा जाता था, इंडिया, चाइना, जापान और अमेरिका में, यहीं से लिया जाता था कॉटन। तो जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, उससे पहले इंडिया के अंदर कैसे कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, बहुत ही सिंपल था, हाथ से लोग बनाया करते थे। और हाथ से बनाने की वजह से क्या होता था कि कपड़े बनने में बहुत समय लगता था और काफ़ी महंगे हुआ करते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। बट एक बात थी यार, जो इंडिया के अंदर हैंड स्पन क्लोथ्स होते थे उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती थी। ये चीज़ तो अंग्रेज खुद भी मानते थे कि भाई बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है, इंडियंस बड़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मतलब ये जो पुराने ज़माने के तरीके हम इंडियंस यूज़ करके कॉटन के क्लोथ्स बनाया करते थे, ये इंडस्ट्री देखते ही देखते ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने हमारी अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदना क्यों बंद कर दिए। बहुत ही सिंपल रीज़न था, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो हम इंडियंस क्लोथ्स बनाते थे ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब हैंड लूम्स का इस्तेमाल करते थे, हाथ से बनाते थे खुद, तो अब इस चीज़ को क्या करा था इन अंग्रेज़ों ने, कुछ मशीन्स ले आए थे, इलेक्ट्रिक लूम ले आए थे, इससे रिप्लेस कर दिया। और ये लोग क्या करने लगे, अपने ही यहाँ पर बहुत सारे कपड़े बनाने लगे बहुत ही सस्ते दाम पर। क्या करने लगे, अपने ही यहाँ पर कपड़े इन्होंने बनाना शुरू कर दिए बहुत ही सस्ते दाम पर। तो आप क्या चीज़ लेना पसंद करोगे, महंगे दाम की चीज़ जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, या सस्ते दाम की चीज़ जो कि गंदी क्वालिटी की हो। तो ज़्यादातर लोगों के पास उस समय पैसे की कमी थी, तो लोग क्या करते थे, सस्ते दाम की चीज़ खरीद लेते थे चाहे क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो। तो इन अंग्रेज़ों ने ये जो मशीन बनाई थी, जो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली मशीन बनाई थी इलेक्ट्रिक लूम, उसकी वजह से जो हमारे इंडिया के अंदर एक तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ख़त्म सी होने लगी थी, काफ़ी कम होने लगी। लेकिन देखते ही देखते यही मशीन्स वगैरह इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल होने लगी। तो लोकेशन क्या क्या थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर, इनिशियली शुरुआत में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर देखने को मिलती थी। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ का जो वातावरण था, मौसम था, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड था। ह्यूमिड मतलब
मौसम के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी रहती थी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से जो भी कॉटन वगैरह था उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाते थे। लेकिन बाद में इस ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट करा जाने लगा, मतलब मॉइस्चर को आर्टिफिशियली भी लोग क्रिएट करने लगे, जिसकी हेल्प से लोग कॉटन को कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में हमारी कंट्री पे यूज़ करके मैन्युफैक्चर करने लगे, उससे यूज़फुल चीज़ें बनाने लगे। अब जो इंडस्ट्री है कॉटन की वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट है, जैसे कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी, पानीपत, इन सारी जगहों पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर इन गुजरात। फर्स्ट मिल जो थी यहीं पर स्टैब्लिश हुई थी इन 1859 आफ्टर मुंबई। तो मुंबई के बाद जो फर्स्ट कॉटन मिल थी जो सेटअप हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, कब? 1859 के अंदर। और अहमदाबाद को क्या जाने जाने लगा था? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा कॉटन यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगा था। ठीक है, ये बन गया था अहमदाबाद, क्विकली बिकेम इंडियाज सेकेंड टेक्सटाइल सिटी आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद सेकेंड नंबर पर अहमदाबाद आ गया था और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा था। वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन अहमदाबाद? अहमदाबाद के अंदर ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतने अच्छे से क्यों डेवलप हुई? एक तो अहमदाबाद के पास ही में कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, मतलब वो सारी जगहें हैं जहां पर कॉटन बनाया जाता है, तो आसानी से वहां से अहमदाबाद के अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है। अहमदाबाद का जो क्लाइमेट है वाकई में काफ़ी अच्छा है फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। ये स्पिनिंग और वीविंग कॉटन टेक्सटाइल को प्रिपेयर करने के लिए मैथड होते हैं। फ्लैट टेरेन है, मतलब यहाँ की जमीन जो है काफी ज्यादा फ्लैट है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारा लैंड अवेलेबल है और वहां पर काफी अच्छे से मिल्स बनाई जा सकती हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। अच्छा ध्यान देना, जो गुजरात है और महाराष्ट्र है ये वाकई में बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल वर्कर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, एंड सेमी क्वालिफाइड वर्कर्स हमें मिल जाते हैं। अब ध्यान देना, ये जो सेमी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल वर्कर्स हैं इनकी मदद से हम काफ़ी अच्छे कपड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक और रीज़न भी था, जो रोड थी और रेल फैसिलिटीज़ थी ये भी काफ़ी अच्छी थी। अहमदाबाद, मुंबई, ये सारी सिटीज़ की पहले से ही बहुत अच्छी रोड वाली फैसिलिटी भी थी और रेल नेटवर्क फैसिलिटीज़ भी थी। तो इन फैसिलिटीज़ के, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के अच्छे होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हमारी कंट्री में टेक्सटाइल ले जाना काफ़ी आसान था, एक जगह से दूसरी जगह टेक्सटाइल आसानी से ले जाए। मुंबई की जो नियर बाय पोर्ट फैसिलिटीज़ थी उनकी मदद से आसपास में जो भी दूसरे देशों के अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी की मशीन्स बनाई जाती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो इम्पोर्ट हो जाती थी और एक्सपोर्ट भी कर देते थे। हम लोग जब कॉटन के क्लोथ्स या फिर कॉटन का फैब्रिक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते थे, हम दूसरे देशों में भी बेच दिया कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन रीसेंट ईयर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं अहमदाबाद के अंदर वो बंद होती जा रही है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हमारी इतनी अच्छी जगह थी। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पर टेक्सटाइल मिल्स ओपन हो रही है और ये जो अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल मिल्स है ना, ये इनसफिशिएंट मॉडर्नाइजेशन भी कर रही है, मतलब कि मशीन्स वगैरह नई नई यूज़ नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो बिजनेस है उसके अंदर इन्हें लॉस हो रहा है और इनकी जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है अहमदाबाद के अंदर। तो ये एक रीज़न। अब बात करते हैं ओसाका की। ये जो ओसाका वाली जगह है ना, ये पता है कहाँ पर है? जापान के अंदर है और एक तरीके से इसको भी मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। अरे मैनचेस्टर ऑफ जापान मतलब जहां पर अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल बन रहे हैं उनको मैनचेस्टर ऑफ जापान या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था अहमदाबाद को? क्योंकि जो मैनचेस्टर वाली जगह थी ना, यहीं पर फर्स्टली बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिली थी हमें? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से मैनचेस्टर से हर जगह को कंपेयर करा जाता है। जैसे हर बैट्समैन को क्रिकेट के अंदर हम कंपेयर करते हैं ना, भाई ये तो थोड़ा थोड़ा सचिन जैसा लग रहा है ना, या धोनी जैसा लग रहा है, क्योंकि यार वो लोग थे ना बिल्कुल टॉप प्लेयर, सबसे बेस्ट वाले प्लेयर्स। तो इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं मैनचेस्टर को और भी जगह से। जैसे मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है, यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं,
यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों है, जापान के अंदर ओसाका के अंदर ही क्यों? इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है और काफ़ी ज़्यादा एरिया अवेलेबल है और यहाँ पर आसानी से कॉटन मिल्स को बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, वार्म है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से स्पिनिंग और वीवी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। योडो रिवर की हेल्प से बहुत सारा पानी भी मिल जाता है फैक्ट्री के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उन्हें, लेबर भी यहाँ पर काफ़ी आसानी से मिल जाती है, अच्छा पोर्ट भी है, मतलब कि अगर आपको समुद्र किनारे से कोई चीज़ मंगवानी है शिप्स के थ्रू तो आप मंगवा सकते हो, कोई चीज़ दूसरे देश के अंदर भेजनी है अपने टेक्सटाइल्स को तो वो भी आप भेज सकते हो। तो ये फैसिलिटी की वजह से जो कॉटन का इम्पोर्ट है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी काफ़ी आसानी से हो जाता है ओसाका के अंदर। ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ पर ओसाका के आसपास कहीं पर भी कॉटन ग्रो नहीं किया जाता। तो ये कहाँ से लेते हैं अपना कॉटन? ये कॉटन लेते हैं इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूनाइटेड स्टेट से, और फिर इस कॉटन को लेने के बाद तब जाकर इससे कपड़े वपड़े बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी कपड़े वगैरह बनाते हैं, जो भी टेक्सटाइल बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं और प्राइस भी इनका क्या होता है, बहुत कम, मतलब सस्ते में अच्छी चीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली हम लोग सस्ते में अच्छी चीज़ लेना पसंद करेंगे। लेकिन आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ओसाका की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ये भी रिप्लेस होती जा रही है, यहाँ पर स्टील की, मशीनरी की, शिप बिल्डिंग की, ऑटोमोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक की और सीमेंट की इंडस्ट्रीज ओपन होती जा रही है। आई होप अब आपको क्लियर होगा, हमने मेजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टील के बारे में पढ़ लिया, किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, स्टील के बाद हमने पढ़ लिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कौन सी इंडस्ट्री के बारे में, अब हमें देखना है ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसका हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो न्यू इंडस्ट्री है, इमर्जिंग न्यू इंडस्ट्री है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, आईटी। जब हम लोग आईटी की बात करते हैं तो आईटी है क्या चीज़, देखो आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है, ये किस किस चीज़ में डील करती है? इन स्टोरेज। सर क्या चीज़ स्टोर करती है? हमारी फ़ोटो वगैरह नहीं स्टोर करते ये आईटी वाले, है ना, है ना। तो दूसरा, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुँचाना, ये सारा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री करती है। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर भी इसी के अंदर आएगा। तो जो भी चीज़ हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अच्छा, जो इंडस्ट्री ग्लोबलाइज हुई है बाय अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स, जो ये इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखें तो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लगे हैं और हर जगह ये इंडस्ट्री बढ़ती हुई दिख रही है। अच्छा, मेजर नोड्स, मतलब कहाँ कहाँ पर हमें मेजरली ये ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलती है? सिलिकॉन वैली। यार ये देखो, यहाँ से तुम्हारा एप्पल, शायद गूगल, फेसबुक, ये सब भी यहीं से आए हैं, है ना। कैलिफोर्निया, बेंगलोर, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो बड़ी बड़ी हम लोग ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वो बेंगलोर वगैरह से ही इमर्ज। ऐसा क्यों? बेंगलोर के अंदर ही क्यों? अभी समझेंगे, ठीक है। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज मुंबई। मुंबई के अंदर भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, न्यू दिल्ली के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी और चेन्नई के अंदर। बहुत सारी सिटीज़ भी हैं जैसे कि गुड़गांव। गुड़गांव बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल वगैरह, इन सब के ऑफिस हैं। पुणे, अब ये जो गूगल है ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, ये सारी जगह क्या है? ये सारी जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ऑफ आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। अभी हमने बात करी थी जब हमने इमर्जिंग और जो मेजर हमने देखी थी लोकेशन, वो कहाँ कहाँ पर थी? सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया और इंडिया के अंदर बेंगलोर। तो ये बेंगलोर वाली जगह इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज क्यों हैं? क्या रीज़न है यहाँ पर इतना ज़्यादा आईटी सेक्टर है? समझते हैं। देखो, जब भी हम लोग आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखो, आईटी इंडस्ट्री के अंदर किसकी बात हो रही है? हम लोग बात कर रहे हैं ज़्यादातर इंटरनेट वगैरह वाली चीज़ हो गई, टेलीविज़न हो गए, ये सारी चीज़ें हों,
है ना। तो इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आईटी कॉलेजेस की बात करें, मतलब कि जो पढ़ाते हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कॉलेजेस, वो कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। इसी वजह से जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो ये सोचती हैं कि भाई हम अपनी कंपनी को यहीं पर बना लेंगे तो लोग हमें, पढ़े लिखे बच्चे आसानी से मिल जाएंगे और उन्हें जॉब देकर हम अपने यहाँ पर काम करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और भी रीज़न है बेंगलोर के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज के होने का, कि यहाँ पर रेंट काफ़ी कम है। रेंट काफ़ी कम है अगर हम मुंबई, दिल्ली इन सब सिटीज़ के कंपैरिजन में देखें। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, डस्ट भी काफ़ी कम है, मतलब पॉल्यूशन भी यहाँ पर काफ़ी कम है, तो लोगों को लगता है यार अच्छी जगह है, पॉल्यूशन वगैरह कम है। और जो कर्नाटक गवर्नमेंट है, इसने फर्स्ट पब्लिश करे थे अपने आईटी पॉलिसी इन 1992। जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ यहीं पर हम अपनी आईटी इंडस्ट्री ओपन करें। नेक्स्ट, जो सिटी है यहाँ पर लार्जेस्ट और हाईएस्ट नंबर एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो लोग जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जिन लोगों को आईटी इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज है, वो यहाँ बेंगलोर वाली जगह में मिल जाते हैं। अच्छा, अब सिलिकन वैली की बात करते हैं, यानी कि कैलिफोर्निया की। अब ये जो सिलिकन वैली है, यहाँ पर से इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि आप सुनते हो ना माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज चलता है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, यही क्यों यहाँ पर फॉर्म हुई? सबसे पहले तो क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब यहाँ पर शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती रही, इस वजह से यहाँ पर लोग आना प्रेफर करते हैं, रहना लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और क्लीन है, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, प्लेंटी ऑफ स्पेस है, काफ़ी सारी खाली जगह है जहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करा जा सकता है और फर्दर एक्सपेंशन भी करा जा सकता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो जगह है सिलिकन वैली इन कैलिफोर्निया, इट इज़ लोकेटेड टू मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स। जितनी भी इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं अमेरिका के अंदर, वो यहाँ पर आसानी से उन रोड से ये सिटी कनेक्टेड है। और दूसरी चीज़, आसपास काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स भी हैं, तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो एयरपोर्ट्स की मदद से। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं सिलिकन वैली के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं। स्किल्ड मतलब कि स्किल्ड किस वे में? स्किल्ड उस वे में जिनको कंप्यूटर वगैरह की ज़्यादा नॉलेज है। तो इस वजह से यहाँ पर वो लोग जिनको कंप्यूटर वगैरह की ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए आईटी इंडस्ट्रीज प्रेफर करती है कि हम लोग भी अपना सेटअप यहीं पर करें, सिलिकॉन वैली के ही आसपास करें, कैलिफोर्निया के आसपास ही करें। तो यहाँ के जो मार्केट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स हमें मिल जाती है, गुड एक्सेस भी है मार्केट का। अच्छा, ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर था। इस चैप्टर के अगर आपको सैम्पल पेपर और नोट्स चाहिए तो आपके बहुत काम आने वाले हैं सैम्पल पेपर, नोट्स और शॉर्ट। इसका मतलब क्या है सैम्पल पेपर का? देखो, ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा ना, इस चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम, चैप्टर के पीछे से क्वेश्चन अब आप नहीं आते, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, क्लास 8th में आ गए हो। तो वो जो बीच से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे? वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे सैम्पल पेपर के अंदर। सैम्पल पेपर के साथ साथ ये जो नोट्स हमने अभी पढ़े हैं, नोट्स के अंदर सारी जो भी डेफिनेशंस है, पॉइंट्स के अंदर दे रखी है, तो आपको लर्न करने में या समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे डायग्राम्स दे रखे हैं जिससे चीज़ें आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। और साथ ही में मैंने इस वीडियो को ही पूरा नोट्स से ही, इन्हीं नोट्स से एक्सप्लेन करा है, तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी कैसे, आपको मिलेंगी कैसे? बहुत ही सिंपल है, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर बने। सर, मेंबर बन जाएंगे तो फिर कैसे मिलेंगे हमें सैंपल पेपर और नोट्स? बहुत ही सिंपल है, आप ज्वाइन कर लोगे, मेंबर बन जाओगे, कम्युनिटी टैब पे जाना, आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स और सैंपल पेपर का, मज़े से उनसे पढ़ाई करना। सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेंबरशिप आप ले सकते हो और सैंपल पेपर से आपके फुल मार्क्स इस चैप्टर में आना गारंटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है कि जो अहमदाबाद है, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? मैंने एक्सप्लेन भी करा है आपको, फटाफट बताना है आपको कि व्हाई इज अहमदाबाद कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अभी के अभी फटाफट सब्सक्राइब करो। बाय बाय टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।